आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन सेज अल्कली मेटल्स प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड्स आर ऑलवेज जीरो वैलेंट, मोनो वैलेंट, बाय वैलेंट और मोनो और बाय वैलेंट। तो इस क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है? अल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है? NS1। ठीक है, तो जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो सबसे कम होता है। दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ऑल्सो वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ऑल्सो अल्कली मेटल्स हमारा सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट ओनली इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि अल्कली मेटल अपना ये वन इलेक्ट्रॉन एस का, एस ऑर्बिटल का वन इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज करके अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। लूज दिस वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन कॉन्फिग्यूरेशन। ठीक है, तो अब क्योंकि अल्कली मेटल अपना वन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है टू अटेन अ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि हमेशा अल्कली मेटल्स पे कैसा चार्ज रहता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। एंड हमारा जो अल्कली मेटल्स है वो हमेशा मोनोवैलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड हमेशा ये हमेशा आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। हेंस अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड्स आर ऑलवेज मोनोवैलेंट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।